शहर के गली मोहल्लों में भी खवातीन गैर महफूज। ग्रीन टाउन थाने के करीब खातून के साथ डकैती, मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से जेवरात छीन कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तलबा अब पुलिस दफातर में भी इंटर्नशिप कर सकेंगे। तलबा को इंटर्नशिप की इजाज़त देने के लिए वर्किंग पेपर तैयार करने का फैसला। मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन करने की तजवीज़। IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। इनाम गनी कहते हैं कि तलबा पुलिस दफातर में अपनी डिग्री के लिए अमली तजर्बा हासिल करेंगे। इंटर्न्स तलबा पुलिस का बेहतर इमेज उजागर करने में मुआवन होंगे। खबरदार, तंबाकू नोशी मना है। सरकारी दफातर, रेस्टोरेंट्स, लारी अड्डा समेत पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद। जिले इंतजामिया और इंस्तादे तंबाकू नोशी टास्क फोर्स ने मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी। अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी से मुतालिक शहरी ऐप पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। मुदस्सिर रियाज मलिक कहते हैं कि अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी एक जुर्म है। हर साल 1,60,000 अफराद तंबाकू नोशी से मरते हैं। हर रोज तंबाकू नोशी की वजह से 5,000 अफराद अस्पताल में दाखिल होते हैं। कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला थम ना सका। शहर में एक ही रोज मजीद 6 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 273 अफराद वायरस का शिकार। पंजाब में 19 हलाकते, 720 नए केसेस सामने आ गए। सियालकोट 10, सरगोधा 48, खानीवाल 16 और फैसलाबाद में 21 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर कहते हैं कि शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाकर खुद को महफूज बनाएं। सात डेडलाइन के बाद बुलतार सरकार का पहला मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल। फिरदोस मार्केट पर लाल शहबाज कलंदर अंडरपास आवाम के लिए खोल दिया गया। 560 मीटर तवील अंडरपास 5 माह 20 दिन बाद मुकम्मल हुआ। अंडरपास से रोजाना तकरीबन 1,00,000 शहरी मुस्तफीद होंगे। गुलबर्ग सेंटर पॉइंट पर रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वजीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। बोले, शफाफ टेंडरिंग से तामीराती काम में 13 करोड़ रुपए की बचत की। नए अंडरपास मंसूबे से ईंधन की बचत होगी। शहर में ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। साबिक DG एल्डिया हाजिमा की मुश्किलात में कमी ना आई। अदालत ने हाजिमा की अहलिया और वालिदा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस केस पर समाअत। आहत चीमा का अदालत में फैमिली अराकीन की रिहायशगाह से मुतालिक लातालुकी का इजहार। तमाम अफराद को गिरफ्तार करके 30 नवंबर तक पेश करेंगे। एहतसाब अदालत ने NAB को हुक्म जारी कर दिया। आलूदगी फैलाने वाली 224 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। 57 सनती यूनिट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। जिग जैग का इस्तेमाल न करने पर ईंटों के 33 भट्टे सील कर दिए। धुआं छोड़ने वाली 6,451 गाड़ियों के चालान किए गए। निषाद कॉलोनी वॉल्टन क्रीम ब्लॉक में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्त पर समात। 10 सफहात पर मुश्तमिल माहौलियाती कमीशन की रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई। गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत बढ़ गई। गैस की बंदिश के खिलाफ ग्वाल मंडी के मकीन शदीद अजियत में मुबतला। गैस बहरान बढ़ते ही LPG माफिया भी सरगर्म। दुकानों पर LPG 130 की बजाय 140 रुपए तक फिरोख्त। टोल मालिकान भी आवाम को लूटने लगे। लकड़ी 1,000 रुपए फी मन जबकि कोयला 80 रुपए किलो दस्तियाब। महंगाई से सताई आवाम की परेशानी मजीद बढ़ गई। रिंग रोड ज्यादती केस के मुलजिमों को सख्त सजा दिलवाएंगे। ज्यादती वाकियात को रोकने के लिए सिविल सोसाइटी को भी किरदार अदा करना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ हर सतह पर तआवुन किया जाएगा। 16 साल कबल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए कानून साजी की गई। वजीर कानून रजा बशारत का फ्लैटिस होटल में तकरीब से खिताब।
लाहौर पुलिस में तब्दीली के लिए उखाड़ पिछाड़, नाकिस कारकर्दगी पर 16 SHOs को ओहदे से हटा दिया। 8 इंस्पेक्टर और 8 सब इंस्पेक्टर्स को थानों से लाइन हाजिर कर लिया गया। SHO चूंग इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ बट लाइन हाजिर। SHO थाना हंजरवाल इंस्पेक्टर मोहम्मद अकमल बी क्लोज लाइन। SHO बागबानपुरा इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन शाह भी हटा दिए गए। SHO बाटापुर इंस्पेक्टर फारूक असगर भी लाइन हाजिर। DIG ऑपरेशंस ने अहकाम जारी कर दिए। और मिलाद चौक में 11वें शरीफ के मरकजी जुलूस की तकरीब, मुजाहिद मकसूद भट्ट मोहम्मद इरफान सोनी की शिरकत। सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर बोले, औलियाए कराम की तालीमात मशल राह है।